आप लोगों को एक नोटिफिकेशन बता रहे हैं रिगार्डिंग ओ लेवल। ये ओ लेवल का नोटिफिकेशन अभी 1 फरवरी को अभी अपडेट किया है इन लोगों ने। आप लोगों को ये मिल भी जाएगा अगर आप student.nelet.in साइट खोलते हैं तो इस समय सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, ये देखिए साइट पे ही आपको यहाँ मिल जाएगा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द चेंजेस इन द इवोल्यूशन पैटर्न ऑफ नेलेट ओ लेवल ए लेवल और July 2018 के एग्जामिनेशन है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन दिखाई देगा जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि इन ऑल एग्जामिनेशन ऑफ नेलेट ओ लेवल ए बी सी wherever the module questions paper contain two parts, objective type and descriptive type, the evaluation of descriptive part will be carried out only if the candidate had secured at least 50% marks in the objective part of the respective module. इसका मतलब समझ लीजिए कि O level में जो आप लोगों के modules हुआ करते हैं उसमें दो part में होता है, ये तो सभी को पता है, एक objective होता है और एक descriptive होता है। मैं एक question paper खोल लेता हूँ पहले तो आपको आसान हो जाएगा। तो देखिए पिछले question papers भी देखे जा सकते हैं, आप नेलेट में यहाँ पे टाइप कर दीजिए ओ लेवल ओल्ड पेपर या ओल्ड लेवल पेपर्स, तो आपको जो पहली साइट मिलेगी ओ लेवल के वो आपको मिल जाएगी जिसमें कि आपको पुराने ओ लेवल्स के पेपर्स भी मिल जाएंगे। अब जैसे हमने July 2017 का ले लेते हैं, इसमें आपको सारे पुराने हर पेपर्स मिल जाएंगे ओ ए लेवल्स के। मैंने IT टूल्स का एक पेपर उठा लिया। अब मैं जैसे ही इस पेपर को ओपन कराता हूँ, पेपर होने के बाद या पेपर ओपन होते ही आप लोगों को ये पूरा डिटेल में दिखाई देगा। ये देखिए ये रहा पेपर, 100 नंबर्स का होता है पेपर और ये 3 घंटे में करना होता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप देखें तो इसमें आप लोगों को ये पहला पोर्शन जो आता है ये ऑब्जेक्टिव वाला है। इस ऑब्जेक्टिव में आपको सबसे पहले जो मिलेगा वो आपके 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 1 क्वेश्चंस और 4 ऑप्शंस होंगे। आपको इसके लिए ओमार शीट्स मिलेगी। उसके बाद सेकेंड आता है, सेकेंड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ट्रू फॉल्स है। फिर थर्ड आ जाता है जिसे मैच द फॉलोइंग है। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है और इस तरीके से आपका ये पूरा मॉड्यूल फिनिश होता है। और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट शुरू होता है जो कि आप सब्जेक्टिव है। जो पहला पार्ट था वो 40 नंबर्स का होता है और सेकंड पार्ट जो है वो 60 नंबर्स का होता है। पहले पार्ट के लिए आपको 1 घंटा मिलता है और उसके बाद फिर आप 2 घंटा सेकेंड पार्ट के लिए ले सकते हैं। अभी आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका पहला पार्ट में यानी 40 में से जब तक आपके 20 नंबर नहीं आ जाते तब तक आप लोगों को आगे का पेपर सॉल्व करने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है आप पेपर तो सॉल्व कर लेंगे लेकिन वो चेक नहीं होगा। तो इस नोटिस के हिसाब से आप लोगों का जो पहला पेपर है उसको क्वालिफाई यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन जो है वो आपको क्वालिफाई करना होगा। जब आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन क्वालिफाई हो जाएगा 50% यानी कि 20 नंबर्स आ जाएंगे तब आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन है वो आप लोगों की कॉपीज़ चेक होंगी। तो ये है आपका ये नोटिफिकेशन और इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर वो क्वालिफाई नहीं होता तो सब्जेक्टिव कितना भी अच्छा गया हो उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर हो गया सभी को? व्यूज़ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को जो भी वीडियोस पसंद आते हैं उसको प्लीज़ लाइक किया करिए और अपने अपने सोशल नेटवर्क्स जैसे व्हाट्सएप और अपने फेसबुक पर से ज़रूर शेयर करिए। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है मेरे को प्रेडिक्ट करने के लिए कि आप लोगों को वीडियोस सही लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।